ओके गाइस, तो अब हम शुरू करेंगे हमारे थर्ड ऑब्जेक्टिव से, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस, हम एक रिकॉल टेस्ट करेंगे जिसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेबल कम्युनिटी। ऑप्शन ए, लीस्ट वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन बी, हाई नंबर ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन सी, स्टेबल इंक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन डी, लेसर प्रेडेटरी इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन टू, In rivet popper hypothesis, the airplane represent option A, species richness, option B, abiotic components, option C, ecosystem, option D, none of these. Question 3, who gave rivet popper hypothesis? Option A, Lord Robert May. Option B, Paul Ehrlich. Option C, Ramdev Misra. Option D, Alexander von Humboldt. Class, अब आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करिए और इन क्वेश्चंस और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। Question 4. Which of the following has been recently gone extinct? Option A, dodo bird. Option B, dinosaurs. Option C, mammoths. Option D, cheetah. Question 5. What percent of total mammal species face the threat of extinction today? Option A, 43%. Option B, 11%. Option C, 50%. Option D, 23%. Class, अब आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करिए और इन क्वेश्चंस और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो चलिए इनके सही आंसर्स देखते हैं। इनके करेक्ट आंसर्स हैं फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए और फिफ्थ का डी।